Dear students, assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the preparation of alkane by the Curry-House synthesis. Curry-House synthesis actually जो है ये आपके पास है modification of Wurtz reaction की modification है ये. तो आप कह सकते हो कि Curry-House synthesis is the modification of Wurtz reaction. अब वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू हमने जो अल्केन बनाया उसमें और Curry-House के थ्रू जो है हम जो अल्केन की प्रिपरेशन करेंगे उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें ये डिफरेंस है कि Curry-House सिंथेसिस का एक अचीवमेंट ये है कि आप इससे अनसिमेट्रिक अल्केन को प्रिपेयर करते हो. मतलब ये है कि यू विल प्रिपेयर द अल्केन विद द ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. मतलब ये है कि हमने वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू अगर आप अल्केन को प्रिपेयर करो और आप उसे उस पर गौर करो तो आपको ये बात पता चलेगी कि उसकी प्रिपरेशन में आप जो अल्केन जो है उसकी प्रिपरेशन के थ्रू आप प्रिपेयर करते हो उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं. लेकिन Curry-House सिंथेसिस से आप जो अल्केन को प्रिपेयर करते हो इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं. मतलब यू विल प्रिपेयर द अल्केन विद द ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. दूसरे वर्ड्स में वी कैन से दैट वी विल प्रिपेयर द अनसिमेट्रिक अल्केन्स बाय द Curry-House सिंथेसिस. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि कैसे आप जो है इसमें अल्काइल, ये वही प्रिपरेशन है जिस तरह हम करते आ रहे हैं अल्काइल हैलाइड के थ्रू. अल्काइल हैलाइड की आपने रिडक्शन कराई, मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाई. ठीक है, फिर उसके बाद हमने अल्काइल हैलाइड के थ्रू जो है सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा के वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू प्रिपरेशन कराई. अब हम Curry-House सिंथेसिस में बेसिकली अपना स्टार्टिंग मटेरियल जो लेंगे वो अल्काइल हैलाइड है. लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे आप कर लो साइड पे कोने पे मैं आपको समझाती हूँ. इफ यू वांट टू प्रिपेयर द प्रोपेन, अगर आप प्रोपेन प्रिपेयर करना चाहते हो तो यहाँ साइड पे लिखो प्रोपेन, दैट इज द CH3 CH2 एंड CH3. ये आपके पास प्रोपेन है. ठीक है, अब इस प्रोपेन को आप दो हिस्सों में जो है वो कट कर दो. ठीक है, ये आपने दो हिस्सों में से कट कर दिया. अब ये जो इसके दो पार्ट्स बने हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, इन एक पार्ट को उठाओ उसे अल्काइल के साथ जो उसे हैलाइड के साथ मिलाओ तो ये अल्काइल हो गया, तो वो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा. तो दो अल्काइल हैलाइड जो है वो हमारे पास यहाँ से बनते हैं. एक मैं यहाँ से ये मिथाइल को उठा लेती हूँ तो ये मिथाइल आपके पास जो है, मैं यहाँ से अगर आयोडीन अटैच कर देती हूँ तो मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा. ठीक है, ब्रोमीन अटैच कर दूँ तो मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा. वट एवर जो भी बनेगा, लेकिन ये है क्या, दिस इज द RHC अल्काइल हैलाइड. ठीक है, ये दूसरे वाला जो आपका पोर्शन है दैट इज द इथाइल वाला CH3 CH2 एंड इसके साथ अब अगर आप आयोडीन लगा रहे हो तो एक अल्काइल हैलाइड आपका ये बन गया. अब आपने Curry-House सिंथेसिस में, क्योंकि मैंने एंड प्रोडक्ट मैंने बताया है कि चलो हमने प्रीपेन बनाना है, प्रोपेन बनाना है. ठीक है, तो प्रोपेन के लिए आप अपनी आसानी के लिए कि आपको ये पता चले कि कौन सा अल्काइल हैलाइड आप यूज कर रहे हो, तो उसके लिए इसे हमने दो हिस्सों में कट कर लिया. एक पोर्शन उठाया, उसके साथ हैलोजन अटैच किया, एक अल्काइल हैलाइड बन गया. दूसरा पोर्शन उठाया, उसके साथ हैलोजन अटैच किया, आपका दूसरा अल्काइल हैलाइड बन गया. आपने करना क्या है, इन दोनों में जो आपका छोटे वाला पोर्शन है दैट इज ये आपके पास. ठीक है, वो हम फर्स्ट पहली प्रायोरिटी पे उसे इस्तेमाल करेंगे, पहले रिएक्शन में हम जो है उसे यूज करेंगे. ठीक है, नाउ आप रिएक्शन की तरफ आते हैं. तो क्या है, आप लोगे अल्काइल हैलाइड. ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि आप आयोडीन भी इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रोमीन भी इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, से मैं ये उठा लेती हूँ आपका ये CH3 और इसके साथ फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ हैलोजन जो है वो ब्रोमीन को अटैच कर लिया है. ठीक है, प्लस आप जो है टू लिथियम के एटम जो है लिथियम मेटल आप यूज करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर. ड्राई इथर को आप जो है एज अ सॉल्वेंट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो. होगा क्या, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा तो एक आपका ये मिथाइल जो है इसके साथ एक लिथियम आके अटैच हो जाएगा, प्लस आपका ये लिथियम ब्रोमीन के साथ आके अटैच हो जाएगा. तो एक तरफ तो क्या बन जाएगा, LiBr बन जाएगा, दूसरी तरफ CH3 Li जो है मिथाइल लिथियम जो है वो आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने अपना ये वाला प्रोडक्ट उठाना है. ठीक है, दैट इज द, इसके आपने दो मॉलिक्यूल ले लो. ठीक है, इसके
क्या है मिथाइल लिथियम के आप जो है वो दो मॉलिक्यूल ले लो, प्लस आपने जो है इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ। याद रखना क्यूप्रस नहीं, वी आर यूजिंग द क्यूप्रस आयोडाइड। इससे हमें बनाना है गिलमन्स रिएजेंट। गिलमन्स रिएजेंट किसे कहते हैं, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट इज नोन एज गिलमन्स रिएजेंट। ठीक है, क्या कॉपर यहां दरमियान में आ जाएगा, एक तरफ एक मिथाइल दूसरी तरफ दूसरा मिथाइल, और साथ ही इसका लिथियम जो है इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। इसे कहते हैं गिलमन्स रिएजेंट। क्या कहते हैं, गिलमन्स रिएजेंट प्लस आपके साथ दूसरा जो चीज निकलेगी वो एक लिथियम यहां से बच गया। ठीक है, और ये आपका आयोडीन है या व्हाटएवर आप जो है जो भी इसके साथ इस्तेमाल करते हो हैलोजन, आप उसके साथ जो है वो अटैच कर लोगे। क्लियर, गिलमन्स रिएजेंट क्या है, दो अल्काइल है, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। क्या है, डाई मैं लिख भी देती हूँ, अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। ठीक है, दिस इज नोन एज, दूसरा नाम क्या है, गिलमन्स, गिलमन्स रिएजेंट। ठीक है, गिलमन्स रिएजेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसे मैं रख करके नेक्स्ट अपना केमिकल रिएक्शन जो है वो हम प्रोसीड कराएंगे। आगे क्या होगा, आगे ये जो आपका डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट या गिलमन्स रिएजेंट है, आपका जो अल्काइल हैलाइड रह गया था, हम डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट या गिलमन्स रिएजेंट को उस अल्काइल हैलाइड के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, अल्केन आ जाएगा। ठीक है, तो आगे से प्रोसीड करते हैं। क्या बताया मैंने आपको, डाई अल्काइल, ठीक है, लिथियम क्यूप्रेट गिलमन्स रिएजेंट, प्लस हमारा जो अल्काइल हैलाइड का पोर्शन रह गया था वो क्या था, इथाइल आयोडाइड है या इथाइल ब्रोमाइड है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है यूज कर रही हूँ इथाइल ब्रोमाइड। अब मैंने बॉन्ड तोड़ना है तो आपकी मर्जी है, आप ब्रोमीन को उस साइड पे लिखते हो या इस साइड पे लिखते हो, क्योंकि मैंने इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है कार्बन पे, तो मैं इसे इस तरह लिखूंगी। ठीक है, इसकी बॉन्डिंग किसके साथ है आपके पास, यहाँ पे CH2 के साथ है, फिर आगे CH3 के साथ है। क्लियर हो गया। अब होगा क्या, मैंने इस तरह, ये आगे जगह नहीं है तो मैंने यू लगा दिया। ठीक है, अब आपको ये पता है कि कॉपर क्योंकि मेटल है, ठीक है, और अब इन दोनों के अगर कार्बन के और इसके कॉपर के दरमियान जो बॉन्ड है, मेटल के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी हम, यानी ये आपके पास एक तरह का वो हम जो आपने पीछे भी देखा होगा, बहुत बार सुना भी होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, दैट इज मैं यहाँ लिखती हूँ RMGX। इसमें ये कार्बन का बॉन्ड है, ये मेटल का है, इसे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये कार्बन का बॉन्ड इस मेटल के साथ है, तो ये आपके पास ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में आपकी मेटल से बॉन्ड जो है हटा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन कार्बन की तरफ है, सो ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव है, और ये दोनों कार्बन क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। मतलब ये है कि दोनों कार्बन किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर सकती हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, कोई भी ऐसा आपके पास कोई ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या क्या होता है, होती न्यूट्रल स्पीशी है लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करके उसके साथ बॉन्डिंग बना सकता है, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। नाउ अब देखो यहाँ पे इस हैलोजन के दरमियान वाला और इस कार्बन के दरमियान अगर हम बॉन्ड को देखें तो डियर स्टूडेंट द बॉन्ड इज पोलर बिकॉज हैलोजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, so it is bearing the partial negative charge and it is bearing the partial positive charge।
यहाँ पे अब होगा क्या, ये वाला जो आपका मिथाइल ग्रुप है, ये वाला जो कार्बन है, ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये अटैक कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये जब जा रहा है, ये वाला बॉन्ड जो है इसके नेगेटिव चार्ज है, तो ये इससे बॉन्ड लेके जब इसके साथ चला जाएगा तो इनका आपस में रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है, ठीक है, वो ये है कि अब इसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो है जैसे ही अटैक होगा ये बॉन्ड यहां से कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड क्या होगा, कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब ये है कि बॉन्ड ने यहां से रिमूव हो जाना है, निकल जाना है, ठीक है, रिमूव निकल जाएगा अपना बॉन्ड लेके। तो अब देखो एट अ टाइम ये अटैक भी हो रहा है बाहर निकलने वाला ग्रुप जो है इसे हम कहेंगे लीविंग ग्रुप, ये लीव भी कर रहा है, ठीक है, एट अ टाइम अटैक भी हो रहा है और ये लीव भी कर रहा है। तो हमारे पास जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मतलब अटैकिंग स्पीशीज जब सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करती है और उसका लीविंग ग्रुप एक ही स्टेप पर रिमूव होता है, तो इसे हम कहते हैं SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये लीविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये CH3 अटैच हो गया CH2 के साथ, फिर आगे जो है आपके पास CH3 बन गया ना प्रोपेन, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि when you have to prepare the propane, we will propane and we will cut it into two halves equal, no, because it is unsymmetric, ठीक है, we will cut it in two halves and we will make the two alkyl halides, ठीक है, और उन alkyl halides को मैंने आपको reaction भी करके बता दिया कि पहले आपने कैसे reaction किया और उसके बाद आपने कैसे जो है वो chemical reaction किया, ठीक है। अब आपके पास एक तरफ तो ये बन गया, क्या बन गया, propane बन गया, ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास जो है लिथियम यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा लिथियम ब्रोमाइड, प्लस जो है थर्ड वाली जो चीज है वो यहाँ पे अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ प्लस का निशान डाल के लिख देती हूँ, वो ये है जो ये पोर्शन बच गया है, दैट इज द कौन सा पोर्शन आपका बच गया है, CH3 और CU बच गया, ठीक है। एक और चीज स्टूडेंट्स आपने ऑलवेज कीप इन माइंड कि SN2 मैकेनिज्म के बारे में डिटेल से मैं एक अलग से वीडियो जो है मैंने इसमें बनाई हुई भी है, वो आप लोग देखें, आपको SN2 मैकेनिज्म की भी कंप्लीट समझ आ जाएगी। लेकिन मैं दोबारा से एक और चीज़ यहाँ पे रिवाइज करना चाहूँगी, अभी देखो ये आपके पास जो है ये जो है ये अल्काइल हैलाइड है, लेकिन ये आपके पास बच्चे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, मतलब ये है कि ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब अगर हम जो है इसकी जगह 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की जगह 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो आप क्या होगा, उसका मसला क्या होगा कि ये जो है ये अटैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपका वो वाला कार्बन जिसके साथ ये ग्रुप जो है लीविंग ग्रुप अटैच है, जिसमें लीव होना है, वो आगे से अगर मजीद जो है वो तीन और जो है ये सॉरी ये 1 डिग्री नहीं है, दिस इज नोन एज द ये 2 डिग्री आपके पास अल्काइल हैलाइड है, बिकॉज द कार्बन एटम विच इज बियरिंग द फंक्शन ग्रुप इज अटैच विद 1 मोर कार्बन एटम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 3 डिग्री लेंगे तो आपके पास इतने बल्की ग्रुप जब अटैच हो जाएंगे इसके साथ तो फिर क्या होगा, फिर इसे जो है वो तोड़ना जो है अटैक कराना जो है मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आपके पास जो है 1 डिग्री अल्कोहल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह इस पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है उसका रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ होता है, 2 डिग्री का उससे कम होता है और 3 डिग्री का मुश्किल से होता है, क्योंकि अटैकिंग जो है न्यूक्लियोफाइल को बल्कि ग्रुप जो अटैच होते हैं वो जगह ही नहीं देते कि वो उसके ऊपर अटैक कर सके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास अल्केन की प्रिपरेशन में, काइंडली जो है इसे बहुत अच्छी तरह करना है, और मेरी एक वीडियो जो है वो दूसरे के साथ ज़ाहिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ज़रूर रिलेटेड होती है, जैसे यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म जो है इसके साथ अटैच है। तो काइंडली इसके बाद जो है आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को भी दबाओ ताकि कोई नई वीडियो बनती है वो आप तक पहुँचे।